किडनी खराब होने से पहले ही हमारा शरीर हमें ये संकेत देता है ताकि हम समय रहते पहचान कर इसे बच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में किडनी महत्वपूर्ण अंग होता है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए किडनी का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। आजकल के समय में जीवन शैली के बदलते प्रभावों को देखते हुए लोगों में पहले की तुलना में ज़्यादा किडनी की समस्याएं पनपने लगी हैं। किडनी हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है जो शरीर के भीतरी अंगों की सफाई करता है। किडनी ब्लड को प्यूरीफाई करता है, साथ ही सारे हानिकारक पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। जिस तरह कोई भी अंग खराब होने पर शरीर में बदलाव नजर आते हैं, उसी तरह जब हम किडनी में खराबी आने लगती है तो शुरुआती संकेत को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर इसे जान लें तो समय रहते इसे बच सकते हैं। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों स्वस्थ किडनी कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। किडनी लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने और खून में मिनरल्स की सही मात्रा को बनाए रखने का कार्य करती है। लेकिन जब किडनी खराब होना शुरू हो जाती है तो रक्त में खनिजों और पोषक तत्वों का संतुलन सही नहीं रह पाता। इस स्थिति में त्वचा रूखी और खुजली वाली त्वचा बन जाती है। नंबर पाँच, दोस्तों मूत्र में अत्यधिक बुलबुले मूत्र में प्रोटीन का संकेत देते हैं। ये झाग उस झाग की तरह लग सकता है जिसे आप अंडे को खुरचते समय देखते हैं, क्योंकि मूत्र में पाया जाने वाला सामान्य प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है जो अंडों में पाया जाता है। नंबर तीन, दोस्तों अगर आपको बार बार पेशाब आता है तो ये किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है, खासकर जब रात में बार बार पेशाब आता है। दरअसल जब किडनी के फिल्टरिंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो पेशाब का उत्पादन अधिक होता है। इस स्थिति में कई बार बिस्तर गीला हो जाता है। नंबर चार, दोस्तों किडनी की कार्य क्षमता में कमी से सोडियम प्रतिधारण हो सकता है, जिससे आपके पैरों और टखनों में सूजन हो सकती है। टखनों में सूजन भी हृदय रोग, लीवर रोग और पुरानी पैरों की नसों की समस्याओं का संकेत हो सकता है। नंबर पाँच, दोस्तों स्वस्थ किडनी आमतौर पर रक्त में अपशिष्ट और मूत्र को बनाने का कार्य करती है, लेकिन जब किडनी के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो ब्लड सेल्स मूत्र में रिसाव करना शुरू कर देते हैं। पेशाब के साथ है खून आना किडनी में खराबी का संकेत होता है। इसके अलावा मूत्र में ट्यूमर, रक्त में परेशानी, गुर्दे की पथरी होने पर भी पेशाब के साथ खून आ सकता है।